वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एकेडमी। यह वीडियो नॉन हिंदी का है और यह किसले बुक का आखिरी चैप्टर है 23। आज इसको देख करके इस बुक को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद से इसका इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जो मैराथन के रूप में आएगा। यहाँ देखिए, राह भटके हिरण के बच्चे को, यानी कि राह भटक गया, हिरण का छोटा सा बच्चा कहीं राह भटक गया है, खेलते खेलते कहीं राह लोग बच्चे भटक जाते हैं ना, वैसे ही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। जाड़े की रात और पहाड़ों पर रो रहा है एक हिरण, खेल में मदमस्त भटक गया है वह राह। ठीक है, यानी कि जाड़े का उस समय काफ़ी ठंडा का थोड़ा सा मौसम था और ये खेलते खेलते पहाड़ों में इसका मतलब रोने की आवाज़ सुनाई दी लेखक को और खेल में मदमस्त होकर के खेल में इतना बेचारा बिजी हो गया, ठीक है, कि वो अपना रास्ता ही भूल गया घर जाने को। ठीक है, वह नन्हा हिरण, उसके लिए बहुत दुखी है, दुखी हूँ मैं, उसकी दो खुली आंखों में वेदना है कितनी। यानी कि छोटा सा जो नन्हा हिरण है, ठीक है, वो उस ये चीज़ देख करके काफ़ी लेखक बहुत दुखी हैं। ठीक है, और उनकी दोनों आंखों में काफ़ी वेदना है, मतलब दोनों आंखों में काफ़ी दुख है, उसका दुख भरा। वो आखिर सोच रहा होगा कि हम कैसे रास्ता भटक गए और वो घर जाने की इच्छा में रो रहा है। ठीक है, हिरण के छौने रे हिरण के छौने, रो मत सो जा आराम से। यानी कि यहाँ एक भाषा होता है, जैसे छौने का मतलब यहाँ अगर हम लोग एक्सटेंस निकले तो छौड़ा भी हो सकता है, यानी कि बच्चा जिसको बोलते हैं, यानी हिरण के बच्चे रे, हिरण के बच्चे सो जा, रो मत सो जा। सुबह होते ही लेखक सोच रहा था कि इसको हम इसके घर पे छोड़ देंगे, ठीक है, तो चला जाएगा, रास्ता नहीं भूलेगा। जरूर मिलेगी तेरी माँ मुझे, रो जा सो जा यहाँ पे होगा। ठीक है, सो जा यहाँ बोला जा रहा है कि सो जा, हिरण के बच्चे को लेखक सुला रहे हैं। ठीक है, बांस के वन, पाइन ऑक के वन, ठीक है, रात की हवा तुझे लोरी सुना रहे हैं, डर मत, ठीक है, बेझिझक सो जा। यानी कि बांस का जो वन है, आप लोग रात में देखे होंगे, अगर रात को कहीं जाइएगा, ठीक है, तो जहाँ बांस वगैरह होता है ना, जाते जाते ऐसा मतलब ऐसा महसूस होता है कि मेरे जाने के बाद बांस मतलब पटपटाता है, यानी आवाज़ करता है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, लोग डर जाते हैं। तो ये बोला कि ये सब जितना भी आवाज आ रहा है, तुमको एक तरह का लोरी सुना रहे हैं, तुम रो मत, तुम सो जाओ। ठीक है, किसको? हिरण के बच्चे को, बेझिझक सो जाओ। आकाश में है तारे भरे, नीचे झरे ढेर के ढेर पत्ते, कितने नरम है, ठीक है, हिरण के छौने सो जा। यानी कि ये सब आकाश में पूरा तारा भरा हुआ है, ठीक है, नीचे झरने हैं, ठीक है, ढेर के ढेर क्या है, पत्ते गिरे हुए हैं, सो जा, रो मत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला है, सो जा, सुबह तक सूरज उगेगा, उसकी क्या होगा, उसका सुनहरी किरणें छुएगी जंगल के पत्तों को, मिल जाएगी मुझे तेरी माँ, रो मत नन्हे हिरण। यानी कि कहा जा रहा है कि जब सुबह होगा, ठीक है, सूरज की किरण निकलेगी, सारे पत्तों पर पड़ेगी, उस समय अगर तुम्हारी माँ हमें मिल गई, ठीक है, मिल जाएगी तो तुझे मेरी माँ, तो क्या कहें, उस समय रो मत, वहाँ उस समय पहुँचा देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये कविता आपको समझ में आया होगा, कुछ इसमें कुछ खास था नहीं, ठीक है, ये कविता उतना इम्पॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, बस लेशन में था इसलिए आपको बता दिए। और हम लोग फिर मिलेंगे अब मल्टीपल चॉइस के साथ, इम्पॉर्टेंट उसका वीडियो आपको पास आएगा मैराथन के रूप में। ठीक है, इसको अच्छा से समझिएगा और एग्ज़ाम के लिए आप भरपूर तैयारी कीजिए, क्योंकि इतिहास का एक और महातांडव हम लेके आएंगे जिसमें उसका सबसे पहले मल्टीपल चॉइस आएगा, जितना भी ऑब्जेक्टिव होता है उसका पूरा इतिहास का निचोड़। ठीक है, यानी पूरा जो भी आपका सामाजिक विज्ञान है, हर एक सब्जेक्ट का पहले मल्टीपल चॉइस का निचोड़, उसके बाद से सब्जेक्टिव, जितना भी VVI क्वेश्चन है वो लेकर के हम आएंगे। तो बने रहिए ज्ञापन एकेडमी के साथ, तो फिर देखेंगे हम लोग अगला मल्टीपल चॉइस। तब तक के लिए जय हिंद।